Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. सपा विधायक अतुल प्रधान के निशाने पर आए न्यूट्रीमा हॉस्पिटल को हाई कोर्ट से एक माह की राहत मिल गई है। हालांकि जिला पुलिस की तरफ से तभी हॉस्पिटल को राहत मिल गई थी जब MDA को उसने सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए फोर्स उपलब्ध न होने की बात कही थी। वहीं CMO ने भी ब्लड बैंक में मरीजों को कहीं और शिफ्ट करने के लिए 15 दिन का समय मांग किया था। उधर आज आमरण अनशन के पांचवें दिन पुलिस व एडमिनिस्ट्रेशन ने अनशन स्थल पर संचालित रसोई व नगर निगम के मोबाइल टॉयलेट भी जबरन हटा दिए। पुलिस की पांचवें दिन जिला कलेक्ट्रेट स्थित अनशन स्थल पर जिस तरह की आवाजाही बढ़ी है उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि पुलिस किसी भी वक्त इस धरने को समाप्त करने की कोशिश कर सकती है, अंधेरे में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। वहीं इस आशंका को देखते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा है कि यहां से हटाकर उन्हें पुलिस प्रशासन जहां भी ले जाएगा उनका निजी चिकित्सकों व नर्सिंग होम संचालकों द्वारा मरीजों से दवा व इलाज के नाम पर की जा रही लूट खसोट के विरोध में किया जा रहा सत्याग्रह शुरू कर दिया जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं अनशन स्थल का, क्योंकि लोग आते जाएंगे और राकेश टिकैत जी का समर्थन आज इस न्याय की लड़ाई को अगर मिलेगा तो इसमें वकील साहब रहने को बात करो। बाकी लोग बैठे रहो। प्रशासन ने सरकार उठाओ जबरदस्ती और तुम जहां लेके जाओगे वहां भी मैं सत्याग्रह पर रहूंगा, बस जहां लेके जाओ घुमा रहे हूँ। आज भाकियू नेता राकेश टिकैत जरूर अनशन स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कुछ न बोलकर कहा कि प्रशासन को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। अतुल प्रधान के अलावा चिकित्सकों ने भी उनसे संपर्क किया है, उनका समर्थन है लेकिन चिकित्सकों की बात भी सुनी जानी चाहिए। देखिए क्या कहा राकेश टिकैत ने। हालात और खराब होंगे, अभी और खराब होंगे, अगर 24 में या बीमारी सी फेल आएगी ना तो ये सोशल मीडिया ये सब बंद होंगे, नेशनल चैनल एक बनेगा उसी से खबरें उठानी पड़ेगी। गलत सलत किसी ने खबर छा दी तो इनका टारगेट है कि अभी 5 महीने हो गए, ये गिनती लग रही करवाने, 2 साल का टारगेट है। हर आदमी देश का चिन्हित होगा, कौन उस विचारधारा का है कौन उस विचारधारा का नहीं है। जो उस विचारधारा का वो ठीक रहेगा और जो नहीं होगा उसके खिलाफ मुकदमे होंगे, नौकरी लगे उसको तंग करेंगे, तो ये होगा तो इस देश को आंदोलन ही बचाएगा। ध्यान रखना, इस देश को जनता बचाएगी, आंदोलनकारी बचाएंगे, खाप पंचायतें बचाएगी, गांव बचाएगा, खास करके जो किसान होगा जो मजदूर होगा वो इस देश को बचाएगा। आपकी जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम पे, अपने संगठन को मजबूत रखो, ये इस तरह की मुसीबतें आएंगी, इन्हीं में से ही लोग निकल आएंगे जो आंदोलन की अगुवाई करेंगे, और जो आंदोलनकारी हैं वो घर में नहीं बैठने का, इसकी पार्टी ने तो मैंने कराया होगा लेकिन इसको दर्द है तो आ गया उसका झंडा लगा रखा अपने आप यहाँ का गांधी जी का लगा दिया, बात है कि कराया होगा भाई ज्यादा केड़ा वाले है। हाँ लेकिन ठीक है, विधायक है
और ये आंदोलनकारी है, विधायक भी अपने दम पर बना, आंदोलनकारी अपने दम पर बना, किसी का रहमो करम पर नहीं बना। और ये तो यहाँ पे रहेगी, कुछ बीमारी थी यहाँ पे, यहाँ पे जिले जिले में भी मेयर में वो एक लेगा, यहाँ से कुछ लेगा, वो बी टीम थी उनकी, लेगा वो कर गया कुछ काम, उससे बचकर हो, वे भी बीमारी है बड़ी हैदराबाद की भी, ठीक है। वे उन्हीं की ए बी और सी टीम भी होगी, तो बी क्या सी भी होगी, डी भी होली, तो अपना भाई काम करते रहो, आंदोलन को अपना चलाओ, हम भी अब मुरादाबाद जाएंगे और आते जाते रहेंगे, अपना निगाह रखेंगे, प्रशासन बात करेगा तो बातचीत करो उनसे, जो डॉक्टरों की टीम है उनसे भी बात करो, जो वकील है कुछ तो कागज पत्तर तो बहुत बेडम ले रहा, हाँ ये कागज तो पता ही नहीं किसी ने, आज लोग शपथ कहेंगे ले, शपथ तो सेवा भाव की ले, और वहां अगर की कंची जेब काट लेगी, बढ़िया भीड़ है, यूथ है आपके इस आंदोलन में, क्योंकि तरस है इसमें, इसे पॉलिटिकल तो बढ़ाइए ना, आपका देश में यहाँ से समाजवादी का लगा है कि मैं इलेक्शन भी लड़ूं, वो जो कुछ काम करेगा बाद में करिए, इस मंच पर कुछ ना करिए, इस मंच पे अतुल प्रधान रहे, अतुल प्रधान रहेगा भाई, किसी का यहाँ पे तो वोट लगा लगे उसका, अबे तो समाजवादी का है उसका है, तो ये आधे चले जाएंगे, लपट जाएंगे, अतुल प्रधान की है तेरे साथ में, कोई चिंता ना करे, जेल में चलेगा तो कम से कम मिलना करेंगे वहां पे, लेकिन प्रशासन से हमारा यह है कि बातचीत का एक रास्ता खोल लो, जो डॉक्टर है उनकी भी टीम है, उनकी भी पूरी कमेटी है, वे भी कुछ घटे, क्योंकि पहली बार आंदोलन हुआ, नहीं करता कोई उनके खिलाफ, एक सम्मान देते हैं उनको आम जनता, लेकिन उन सम्मान का गलत फायदा ना उठावे। हमारा पत्रकार बंधु से भी है कि आपने कवर जो करे हैं इस धरने को, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे हालात में कवर करना, जब कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, इनकी भी हिम्मत ही मान लो, वकील साहब हमारे आ रहे हैं, इनकी भी हिम्मत ही मान लो, जो यहाँ पर आ रहे हैं क्रांतिकारी, मान लो के घर से इनको कब जेल भेज देंगे, फोटो देखो, समर्थन देने भी आए, दूसरा पक्ष भी है, उनके भी मैसेज आए कि हमारी बात सुन जाए, तो हमने कहा कि प्रशासन को हम कहेंगे और दोनों पक्षों से बैठ के कमेटी बनकर बातचीत होनी चाहिए, भाई किसी का आपस में कोई विवाद हो गया तो बीच बचाओ वाले तो आदमी चाहिए, तो हमको भूख हड़ताल है इसको समापन कर, लड़ाई जो है ना खापी का लड़ाई लड़ेंगे सब लोग साथ में, और प्रशासन से भी कहेंगे कि कमेटी बना के और दोनों पक्ष की बात सुने कि क्या है, नहीं पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम अभी आपका समर्थन पूरा रहेगा। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सपा विधायक अतुल के धरना स्थल से चिकित्सकों के बारे में बोले गए शब्दों पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है, डीएम को भेजे पत्र में अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं, आइए मैंने अतुल प्रधान के आमरण अनशन की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आईएमए का कहना है कि विधायक अतुल की मेडिकल रिपोर्ट में उपवास का कहीं कोई लक्षण नहीं पाया गया है, क्योंकि सीएमओ रिपोर्ट के अनुसार वह नारियल पानी आदि पी रहे हैं, तो उनका यह कैसा आमरण अनशन है। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।